हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स कोच, और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं नीट के रिजल्ट में क्या कट ऑफ होने वाला है। आप जानते हैं कल ही आपका नीट का रिजल्ट आया है, काफ़ी लोगों के मार्क्स आए हैं, काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सर इतने पे सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको एक पैरामीटर देता हूँ, उस पैरामीटर के आधार पर ही आप ये तय कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन का कितना चांस है कितना चांस नहीं है। अगर आप यूपी स्टेट की बात करें, मैं इस वीडियो में सिर्फ यूपी स्टेट की बात कर रहा हूँ, बाकी के लिए मैं आपको डिटेल वीडियो बना करके दूंगा। यूपी स्टेट की जो कट ऑफ होती है वो लगभग 20,000 रैंक ऑल इंडिया से लेकर के 21,000 रैंक तक होती है। और अगर हम उसको देखें जो अभी नंबर अभी मार्क्स आए हैं अभी जो रैंक्स बन रही हैं उसके आधार पर, तो वो 595 से लेकर के 600 के बीच में आएगी फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स। और अगर कोई जनरल बच्चा है, जनरल कैटेगरी का बच्चा है, तो वो कट ऑफ लगभग 600 से लेकर के 608 के आसपास जाएगी। एग्जैक्ट डेटा के साथ मैं आपके पास अगले वीडियो में आऊँगा। जो लोग भी इससे कम मार्क्स पाए हैं अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, हताश निराश मत होइए, बस एक ही कदम और बाकी है। और अगर आपको काउंसलिंग से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहीं क्या हो रहा है, क्या चाहिए, क्या सूचना है, अगर ये सब आपको जानना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7080229999 पे अपना मैसेज भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पे हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जो काउंसलिंग 2022-23 के लिए बनाई गई है। तो आप अपने नंबर सेंड करके उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं ताकि आप सारी सूचनाएं एक पॉइंट से हासिल कर सकें। ऑल द वेरी बेस्ट जिन्होंने नंबर अच्छे पाए हैं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दोज स्टूडेंट जो अच्छे नंबर नहीं भी पाए हैं, कोई बात नहीं है, एक और कदम दूर हैं आप। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ अगली वीडियो में, आपको बताऊंगा काउंसलिंग संबंधित आगे की बातें। थैंक यू वेरी मच।